अमेठी सामूहिक हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अमेठी में हुई इस घटना के बाद से एक तरफ जहां प्रदेश भर में उबाल है, तो वहीं अब राहुल गांधी की एंट्री भी इस मुद्दे पर हो चुकी है। राहुल गांधी अब पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। आज अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी से पीड़ित के पिता की फोन पर बात करवाई। वहीं राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। अमेठी में दलित शिक्षक और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा प्रदेश दहला हुआ है। हत्यारे ने दलित शिक्षक और उनकी पत्नी समेत दो बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है और कई एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की और साथ ही केएल शर्मा से इस पूरे मामले की जानकारी ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी खुद भी अमेठी आ सकते हैं। वहीं अमेठी की इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद हमने बात की अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा से, तो उन्होंने बातचीत में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठा दिया है। अमेठी की घटना के बाद अमेठी के सांसद केएल शर्मा हमारे साथ हैं। आखिर वो इस घटना को कैसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। कल रात भी आप घटनास्थल तक गए, परिवार वालों से मिले, क्या देखा आपने, क्या लगा? ये घटना की बड़ी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा जघन्य अपराध है। दो माँ बाप को मार दिया, बच्चों को मार दिया, तो इससे थोड़ा अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि खौफ ही नहीं है कि उनको कि भाई हमारे ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो है ना, खौफ, कानून का खौफ बदमाशों के दिल में होना चाहिए। सत्ता का वकार तभी कायम रहता है जब ऐसे गलत क्रिमिनल एलिमेंट्स के अंदर भय रहे, तो भय खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अपने रायबरेली में आप देख लो कितनी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। तो कानून का भय सरकार को स्थापित करना चाहिए, और जिससे कि ये गलत आंसर जो है ये इतनी हिम्मत ना कर पाए। अच्छा, घटना आपके संसदीय क्षेत्र में हुई है, जिनके साथ घटना हुई है वो रायबरेली के हैं, क्या वहाँ भी गए हैं? कौन? आप? नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ पोस्टमार्टम हाउस में, वहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, तो वहाँ परिवार से मिलेंगे। फिर हमारे लोग कल से ही लगे हुए हैं वहाँ पे, हमारा जिला कांग्रेस कमेटी जब इनको डेड बॉडीज लेके जा रहे थे तब से लगे हुए। मेरी भी उनके फादर से बात हुई, फिर मैंने डीएम साहब से भी अमेठी बात किया, तो सब लोग लगे हैं इन्वेस्टिगेट करने हैं कि इसके तथ्यों में गहराई में जाके क्या बात है, उसको ये करना है। क्योंकि उनका ये था कोई रायबरेली में कोई मतलब उनके FIR हुई थी, उसका भी जिक्र आ रहा है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेट द इन्वेस्टिगेशन फिनिश। आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होगी या फिर वही एक बात होगी? मैं तो देखो, हम लोग तो चाहेंगे कि इसको सही तरीके से हो, मैं इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो मतलब वो कॉपरेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल की, सांसद अमेठी के तौर पर केएल शर्मा पूरी रात भाग रहे थे, अभी भी आप लगता है, क्या रायबरेली के सांसद भी वहाँ तक आएंगे? नहीं, रायबरेली के सांसद जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए कि आप मौके पे हो, तो वहाँ पे पूरा इसको देखो, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल बन सकता है उसको करो। तो ये थे केएल शर्मा साहब, जिनका साफ कहना है कि बेस्ट पॉसिबल ये करते रहेंगे। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।